मोहिनीअट्टम केरल प्रदेश का एकल स्त्री नृत्य है और ये दो शब्दों का एक सुंदर सम्मिश्रण है, मोहिनी यानी मन को मोह लेने वाली और आट्टम यानी नृत्य। आज जो शैली जिसको हम देख रहे हैं उसका श्रेय हम वहाँ के 18वीं 19वीं शताब्दी में जो महाराजा स्वाति तिरुनाल थे उनके दरबार में जो इस शैली को एक 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 रूप एक आकार मिला वो उनके समय में मिला। मगर इससे पहले कुछ हमारे पास ऐसे एविडेंसेस हैं जिसमें ये ज्ञात जिससे ज्ञात होता है कि मंदिरों में भी जो स्त्री नृत्य एक प्रकार से होता था और उनके कई नाम थे, कई कई पीरियड्स दौरान उनके नाम दिए गए, जैसे तली ननकई यानी तली यानी मंदिर, ननकई यानी खूबसूरत जिनके हाथ हो। तो वो जब मंदिर के प्रांगण में वो जैसे प्रीस्ट थे वो जो भी उच्चारण करते थे तो उनकी सहायता उनके उस रिचुअल को पूर्ति देने के लिए वो कुछ ऐसे हाव भाव और हाथों की मुद्राएं दे करती थी। तो तली ननकई फिर तेवड़ची यानी देवा अड़ियची दो देव के अधीन में होकर समर्पित हों, और दासियाटम ऐसे कई नाम से वो अलग अलग समय पर जानी गई। 1951 में मेरे माता पिता दिल्ली में आए और व्यवसाय के दौरान वो आए और मेरी पैदाइश दिल्ली में ही हुई। मगर जैसे यहाँ पे उस वक्त जब एक अपने प्रांत से जब निकल के आते हैं तो उनकी इच्छा होती है कि जो दूसरी पीढ़ी अगली पीढ़ी हो वो उस प्रांत के हर संस्कृति से जुड़ा रहे। इस वजह से मेरे माता पिता का ये एक श्रेय था, उनकी एक इच्छा थी कि मैं मलयालम और केरल की हर संस्कृति से जुड़ी रहूं। भाग्यवश उस वक्त जो है यहाँ पे इंटरनेशनल सेंटर फॉर कथकली दिल्ली में पहले से ही स्थापित था और मेरे माता पिता उसमें एक बहुत उनका योगदान रहा है, और वहाँ पे मैंने कथकली सीखना शुरू किया क्योंकि कथकली भरतनाट्यम और कथक ही दिल्ली में उस वक्त उस पीरियड में प्रचलित थे। जी मेरी जो यात्रा जो कथकली से शुरू हुई वो बहुत ही सुखद रही क्योंकि सारे गुरुजन इतने बड़े बड़े यो गुरुजन थे, गुरु नंद कुमार, सदनम नंद कुमार, ये सब गुजर गया, और हर केरला से हर 3 साल में केरला के एक बहुत जाने माने कलाकार यहाँ प्रिंसिपल बन के आते थे, उनसे हम सीखते थे। और इस तरह नंद कुमार गुरु, फिर गुरु गोपीनाथ जी जिन्होंने पूरे वर्ल्ड में 1950 और 60 के दशक में कथकली को पूरे वर्ल्ड में उन्होंने उसका प्रचारण किया था, उनसे सीखा मैंने। मगर जब मैं 18 साल जब मेरे हुए तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि क्योंकि ये कथा है कथकली तो मुझे एक दो कलाकारों को हमेशा साथ लेके ही मैं एक परफॉर्मेंस कर सकती हूँ, जो एक मेरे लिए एक बहुत बड़ा एक ऑब्स्ट्रक्शन था। तो उसको कैसे मैं या तो उस ऑब्स्ट्रक्शन को किसी तरह मैं पूर्ति करूं या मैं किसी और शैली को अपनाऊं, तो मैंने ये तय किया कि मैं किसी और शैली को अपनाना चाहूँगी। आज भी जो है केवल मोहिनीअट्टम जो मैंने परंपरागत जो सीखा उसी को ध्यान में रखते हुए उसी के अंतर्गत जो भी मैंने इनोवेशंस किए हैं, कल्याण कुटिया के दो दो उनके विचार थे जो मैं आज भी लेके चल रही हूँ। एक विचार था कि इसकी जो वेशभूषा होनी चाहिए बहुत सिंपल होनी चाहिए, तो इसीलिए आज भी सफ़ेद पोशाक जरी वाली और केवल स्वर्ण आभूषण बिना किसी नग के आज भी मैं उसको अपना के चली हूँ। कर्नाटक संगीत जो मैंने जिसकी शिक्षा जो ली है वो मैंने प्रारंभ में सबसे पहले मेरी माताश्री पद्मश्री डॉक्टर लीला ओमचेरी से लिया है। तो माँ क्योंकि वो गाती थी, गायिकाएँ थी, तो और मेरे में गाने की प्रतिभा थी तो वो मुझे रोज जब वो रियाज करती थी तो बिठा के कम 1 घंटा मेरे को ज़रूर सिखाती थी। और उस टाइम खासियत मेरे सीखने की ये थी कि कर्नाटक संगीत अक्सर जो है सिर्फ सफ़ेद पांच या पहली काले चौथे काले से सिखाया जाता था, मगर मेरी आवाज़ की जो रेंज थी वो इतनी ज़्यादा थी कि पहले काले से मुझे माँ ने संगीत, और फिर उसके बाद पल्लवी विद्वान TS राघवन जी थे जो जिनकी पुरुष की आवाज़ थी तो वो पहले काले में मैं काफ़ी सालों तक गाती रही।
और बाद में माँ के साथ जब माँ ने देखा, मैंने देखा कि माँ का जो है अध्ययन हर सोपान संगीत में हुआ, तो मुझे भी उसमें एक इच्छा मेरी हुई, एक इंटरेस्ट डेवलप हुआ कि ये है क्या संगीत। तो माँ मेरे को जब भी केरल जाती थी तो हर जगह सोपान संगीत जहाँ भी होता था प्रोग्राम, या कोई भी कलाकार होते थे उन सब के पास उनकी प्रोग्राम्स में मेरे को ले जाती थी। तो सुनते 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 मुझे काफ़ी कुछ जानकारी मुझे इस संगीत के बारे में हुआ, और मेरा PhD भी सोपान संगीत में ही रहा। तो इस तरह से हमने बहुत से म्यूज़िकल फॉर्म्स की भी हमने रिसर्च और रिकॉर्डिंग्स करी हैं। कुछ हमने फोक म्यूज़िक पे ऊपर कुछ ऐसी रचनाएं करी हैं जिसकी रिकॉर्डिंग्स भी हुई हैं। किताबें भी हमने उन रचनाओं की किताबें निकाली हैं, उनके मीनिंग उन किताबों में लिखी हैं, उसके बारे में संक्षिप्त में हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी दिया है। इस तरह से कुछ हमने मेरे ख्याल से कोई 10-12 किताबें ऐसे हमने निकाली हैं दोनों ने। और मेरी एक अकेली की जो किताब है वो है वैनिशिंग टेम्पल आर्ट्स, जिसमें कर्नाटिक संगीत में जो भिन्नता है उसके बारे में समझाया है।